कल से मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देख रहा हूँ, अलग अलग तरीके से सब बातें हो रही है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए उनका हम वेलकम इस्तकबाल करेंगे, कांग्रेस के अंदर उनको वापस अगर आते होंगे तो उनका उनको साथ लेके जितना उनका दर्जा है उनको उनको दर्जे के ऊपर उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर हम ये देंगे। मगर इसके लिए देंगे कि शहर का विकास होना चाहिए। हम गलत काम करने वालों के साथ बिल्कुल नहीं है, हम ना रहेंगे ना हम रहने देंगे उनको। गलत जो काम करेगा पार्टी उनके साथ में नहीं है। कल जो वाकया हुआ, अजीत दादा पवार साहब पार्टी छोड़ के चले गए, मिस्टर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जाए तो 70,000 करोड़ रुपये का एनसीपी ने घोटाला किया। ये 10 दिन पहले राजस्थान के, अरे एमपी या राजस्थान के अंदर उन्होंने ये बात कही थी, और उसके 10 दिन के बाद ये पार्टी छोड़ के अगर चले जा रहे तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर और दबाव था। इन्होंने अगर घोटाला किया होगा तो ये भी डरे और ये पार्टी छोड़ के चले गए। और आज एक बात नहीं है इसकी कि इनके पार्टी छोड़ के चले गए, ये शहर के लोगों के लिए भी बड़ा सवाल अब पैदा हो गया कि अगर आज मुकामी राष्ट्रवादी के लोग हैं, अगर हमने कल इनको वोट दिया और ये भी अगर बीजेपी में चले गए तो ये जो शहर के वोटों की सत्यानाशी का मामला रहेगा। ये शहर के लोग अब बहुत इसके ऊपर सोचने का इनका मुकाम है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ये बहुत बड़ा मामला है। आप तुम ये एक बात को देखना कि आज नहीं तो कल, मेरी जो समझ है, मैंने कल रात को भी एक चैनल को मैंने मुलाकात दिया था, आज बड़े लीडरान ने भी वही कहा, कहा जो डिस्क्वालिफिकेशन 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उसमें सबसे बड़ा मामला यही है कि ये लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन होगा और अगले मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार होंगे। ये मैंने रात को कहा था, आज हमारे बड़े लीडरान ने भी यही पर ये किया। असल में क्या है, अपने लोगों में एक कहावत है, हम ना थे थे तो मगर दूर थे। ये आप तो शहर के लोग अगर ये मेरी कहावत समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन मुलव्वस है, ये तो आने वाला कल भी बताएगा और लोग जान रहे अच्छे तरीके से। एक इनके नेताजी बोलते कि यार हमको, हम कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे, पार्टी पे दावा भी नहीं करेंगे, हम आवाम के बीच जाएंगे, तो ये सब बात बराबर नहीं है। मैं समझता हूँ कि राजकारण के अंदर कोई लोग है ना आंख लगाकर नहीं देखते। सब अगर चले जाएंगे तो मैं मेरा इतना ऐसा मानना है, सब चले जाएंगे तो मैं मान लेता था कि भाई ये खुद गए होंगे। प्रफुल्ल पटेल साहब गए, इसका मतलब आप शहर के लोग समझ जाएंगे कि प्रफुल्ल पटेल क्यों गए। आवाम इसको इसका मतलब अच्छी तरीके से समझ जाएंगी कि प्रफुल्ल पटेल काट है तो शरद पवार, शरद चंद्र जी पवार साहब छाप है, ये दोनों कार्ड छाप है, ये एक दूसरे के बिगड़ के सम्मति से ये गही नहीं है। तो अब हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे कि आप ये हिंदुत्व का जो मुद्दा लेके बीजेपी चल रही थी, आप वो उनको जो आज क्या हो गया, ऐसा हो गया क्या हसन मुशरफ का हिंदुत्व के अंदर नहीं आते क्या, इनका हिंदुत्व खत्म हो गया इन बीजेपी वालों का भी। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और आप देखेंगे आज नहीं तो कल ये सब के सब आने वाला इलेक्शन में दिखेंगे ना, कौन पार्टी से कौन से सिंबल पे कौन खड़े होगा, शरद पवार साहब कहाँ का दावा करेंगे, उनके भतीजे साहब कहाँ दावा करेंगे, ये सब अभी दिख जाएगा। लोग इतने हैं, आवाम बहुत होशियार है और आवाम पसंद नहीं करेंगी। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी आज हिंदुस्तान की बीजेपी के बाद अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। वो आज बता देंगे हमारी, आज सबसे अच्छे दिन हमारी पार्टी के आएंगे और आ गए ऐसा मैं समझता हूँ। कर्नाटक अभी आ गया, मध्य प्रदेश आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, छत्तीसगढ़, और आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने कल इसमें तेलंगाना के अंदर कल वो पहुंचे तो लाखों की भीड़ ने उनका इस्तकबाल किया। तो ये कांग्रेस के अच्छे दिन की एक निशानी है, कांग्रेस वापस आएगी। कांग्रेस एक समुंदर है, हम भी यही कहेंगे कि जिनको कांग्रेस के अंदर आना है वेलकम, हम उनका इस्तकबाल करेंगे अच्छी तरीके से और उनका जितना दर्जा है उसको उनका दर्जा हरा देंगे।